दीवाने पार वफा सब बातें हैं बातों का जान रस दीवाने आज ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, नारद जी सब बता रहे हैं स्थिति। आज कोई भी लड़की के लिए वर जब पिताजी ढूंढ कर लाते हैं ना, तो बेटियां कहती हैं पिताजी आप मुझे आप छोड़ दीजिए, हम अपना वर का चुनाव स्वयं कर लेंगे। अरे तुम्हें बताया जाए, जब तुम्हें शिक्षा प्रदान हो रहा था तब क्यों नहीं व्यवस्था नहीं किया आपने पैसे की, पिताजी की पैसे पे पढ़ा, और आज जब विवाह का समय आया तो बोले कि हम डिसीजन खुद लूंगी। ऐसी स्थिति हो गई है। और जो कर्म धर्म कार्य करते थे वो सब छूट गया। नारद जी कह रहे हैं भैया मैं गृहस्थियों के यहाँ गया तो ऐसी स्थिति देखा। आज कन्या का विवाह होता है तो अनेक प्रकार के धन मांग लेते हैं, और शास्त्र हमारे कहते हैं भैया कि द्रव्य लेकर यदि किसी कन्या का विवाह किया जाता है ना, तो उस कन्या को देवकार में नहीं बैठना चाहिए, वो बैठने के लायक नहीं है वो देवकार में, न पितृ ही कार में। ऐसी कन्या को बहू नहीं उन्हें दासी कहा गया है। क्रीता द्रवेण या नारी नाया सा पत्न विधेयते। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि धन का कोई आवश्यकता नहीं है, धन तो अपने आप आ जाएंगे, जब लक्ष्मी आ जाएंगी तो धन तो अपने आप ही, भाई लक्ष्मी ही तो धन है। नारद जी कह रहे हैं भैया ऐसी स्थिति गृहस्थियों के यहाँ हुई, तो मैंने सोचा चले संतों के यहाँ चलते हैं, हो सकता है संत तो अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ तो और विपरीत स्थिति थी। न योगी ने वसे धोवा न ज्ञाने सत्क्रियो नरा कले दावा नले नाधम अस्मदान गतम। न योगी ने वसे धोवा, न कोई ज्ञानी है, न योगी है, न तपस्वी है, न किसी के पास ज्ञान है, हो गई है तपस्या की आवश्यकता है। कहते हैं पत्नी का देहावसान हो गया, गिरुआ वस्त्र पहन लिए, वन को गए और क्या बने, बन गए। कहते हैं कि 10-20 की जब नोट आती है ना, तो कहते हैं भैया हम पैसे को छूते ही नहीं, और जब 100-50 की नोट आवे ना तो कहते हैं तो उनको इशारा कर देते हैं भैया तुम उठा लो पैसा, और जब 500-1000 की नोट आती है ना तो कहते हैं भैया वैसे पैसा तो लेता नहीं हूँ, मुझे चाहिए भी नहीं, वैसे लेता नहीं हूँ, लेकिन आज क्या होता है फोन पे गूगल पे होने लगा, कहते हैं भैया हमारे खाते में डाल दीजिए, गौशाला चलवाना है, वृद्धाश्रम हमारा है, इसीलिए पैसे की आवश्यकता है डाल दीजिए। ऐसी स्थिति संतों की हो गई है। नारद जी कह रहे हैं भैया सनत कुमार मैं थोड़ा सा कहीं जा रहा था तो देखा बड़ी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने पूछा भैया ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो कहा भैया ये मोनी बाबा के आश्रम से आ रही है। और आगे मैंने बढ़ा तो बड़े बड़े पकवान बन रहे थे, मैंने पूछा भैया ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं, बोले भैया फलाहारी बाबा के लिए। और नारद जी और आगे गए तो बड़ा सा मकान बना हुआ था आश्रम, बोले भैया ये किसका मकान बना हुआ है, बोले ये तो बैरागी बाबा। तो ऐसी स्थिति हो गई है। आज विद्वान वही है, कुलीन वही है जिसके पास धन है, वही विद्वान है, वही संत है, जितना बड़ा आडंबर रच ले वही बड़ा संत कहलाता है।
हमारे सद्गुरुदेव ने एक श्लोक लिखा है, यश्चा चिमित्तम से नराकुलिनो सा पंडितो स गुणवासुतज्ञ शरीर वक्ता सचदासनीया सर्वे गुणाकांक्षभिः। सब गुण जितने हैं संतों की वो सब धन से ही सीमित है, वही कुलीन है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है, सब कुछ धन पर आश्रित हो गया है, ऐसी स्थिति हो गई है। नारद जी बोले, भैया मैं सब कुछ गृहस्थियों के यहाँ गया, संतों के यहाँ गया, तो मैं सोचा चलो वृंदावन में देख कर आता हूँ वहाँ कैसी स्थिति है। तो यमुना के किनारे जाते जाते श्री धाम वृंदावन में आए, तो वृंदावन जब आए तो एक बड़ा आश्चर्य देखा नारद जी ने कि एक युवती तरुणी युवती बैठी हुई है और उनके बगल में दो वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं और उस जो स्त्री है उस पुत्र को जगाने का प्रयास करती है और थोड़ी ही देर में रोने लगती है और उनकी सेवा करने में अनेक दास दासियां लगी हुई हैं। नारद जी ने कहा, भैया हम ऐसी स्थिति देखा तो सोचा चले पूछते हैं क्या बात है, लेकिन इतने में मुझे याद आया कि जो स्त्रियां होती हैं ना, ये कब रोने लगती हैं कब हंसने लगती हैं इनका कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं कहीं बगल से ही जाने लगा। नारद जी बगल से जाने लगे तो जो तरुणी युवती थी वो नारद जी को देखकर आवाज लगाई, भो भो साधो शरणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशे दर्शनं तव लोकस्य सर्वधर्म परम। कहा, ये साधो एक क्षण के लिए आप रुक जाइए और मेरे चिंता का भी आप दूर करके जाइए, क्योंकि आप जैसे संत का दर्शन तो बड़े भाग्यशालियों से होता है और संत का तो एक ही धन होता है, वो कौन सा धन है संत का? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बार आप सब जय श्री कृष्णा बोले। जय श्री कृष्ण। तो नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो, आप अपना परिचय बताइए और क्यों दुखी हो। तरुण युवती ने बोला, अहम भक्तिर पीछा था इनों में।